अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं फूड पांडा से जो ऑर्डर किया हुआ फूड उसका रिव्यू शेयर करूँगी, क्योंकि मैं गलती से लंच अपना घर भूल गई। अच्छा, मैं खीर बनाने के लिए ऑल पर्पस यूज़ कर रही हूँ। इसकी खीर बहुत मज़े की बनती है, तो एक ये मैंने पैक लिया हुआ है 1 लीटर और एक ये लजीज़ा खीर मिक्स का बॉक्स मैंने लिया है। इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती है, ड्राई फ्रूट्स, चीनी, हर चीज़ इसमें मिक्स होती है, बस इसको डालना और पकने के लिए रख देना। अच्छा, ये जो दूध है ये काफ़ी थिक होता है, तो इसमें ना थोड़ा सा तकरीबन हाफ ग्लास जो है ना इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, ताकि वो बॉयल होने तक दोबारा इतना हो जाता है। लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी को नॉर्मल करने के लिए इसमें तकरीबन आधा ग्लास जो है ना वो पानी का ऐड करना है। हाफ का बस ये डालिए, थोड़ा ही डालना, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये हो जाएगा कि जैसे इसमें बॉयल आएगा मैं इसमें वो बॉक्स जो है वो डाल दूँगी खीर का। अच्छा, ये मैंने इसमें पैकेट डाल दिया, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, मुझे एक्चुअली ना यहाँ पर वो खीर मिल नहीं रहा था, तो मुझे यही नज़र आया, तो मैंने कहा इसे देख रहा है कि पहले खीर नीचे ना लग जाए, मैंने इसी के साथ जो है ना इसको करना शुरू कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी रात, वो जिस तरह लोग रख देते हैं कि सारी रात आपकी खीर पकती रहेगी तो ही अच्छी बनेगी, ये पैक डालें, ये तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर जो है ना आपकी खीर जो है ना वो रेडी हो जाती है। कोई ज़रूरत नहीं है सारी रात इंतज़ार करने की और पकने रख देने की, तो ये आराम से पक जाती है। यानी वो समझने के लिए गेस्ट आया हुआ ना, तो आप विद इन 30 मिनट्स और 45 मिनट्स आपकी खीर रेडी है ना। आपने मीठा डालना है इसमें, अगर आपको कम लगे तो आप डाल सकते, अदरवाइज इसमें मिक्स होता है ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो हैं वो भी इसमें मिक्स होते हैं, ये आस्ते आस्ते थिक होती जाएगी और अपनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी और कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप इसे पका लोगे और ठंडा कर लो, खीर आपकी रेडी हो जाएगी। अब मैं इसको पकने रखूँगी जितनी कि थोड़ी बहुत गाढ़ी होना शुरू हो जाए, गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी तो फिर मैं इसको बंद करके ठंडा होने रखती हूँ। इसमें उबाल आना शुरू हो गए हैं, जैसे जैसे ये गाढ़ी होती रहेगी, थोड़ी सी थिक हो जाएगी तो मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि इसमें ठंडा होने के बाद भी थिक होना होता है। तो बाद में आप गार्निशिंग के लिए आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसमें क्या यूज़ करना चाह रहे हो, आपने ऊपर कुछ नट्स डालना है तो डाल दें, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं, इसमें ऑलरेडी सारा कुछ मिक्स है। ये यहाँ पर काफ़ी हद तक थिक हो गई है, अब मैं अपनी जितनी मुझे रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग इसको रख लूँगी। बिल्कुल रेडी हो गई है और ये जब ज़्यादा ठंडी होगी तो मैं इसकी लुक आपको दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। और अब मैं ज़्यादा नॉर्मल होगी तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी।